44 नंबर नहीं बन रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पहला एक ही क्वेश्चन अपन ने लगाया था ना अभी। हाँ 42 अभी तो अपन ने रिटायरमेंट का एक ही तुमको हाँ समझाया था ना। हाँ हाँ चलो ना, कोई दिक्कत है, 43 लगाया था अपन ने, 44 समझना है ना। हाँ धीरे धीरे देखो, एक्चुअली में क्या कोशिश करेंगे, धीरे धीरे तो बनने लगेगा, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगेन इसमें अपन को बनाना है दो ही चीजें, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन और कैपिटल का प्रोफार्मा कॉपी किया, एंड दिस इज सॉल्यूशन नंबर नंबर 44 है ना। हाँ ये डेटा को कर देते हैं डिलीट। डिलीट हो गया। लेट्स मूव, कौन पार्टनर है ऑन द मार्क बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। तीन पार्टनर है, एबीसी है ना, हाँ ए। चलो व्हाट इज देयर रेशियो, ध्यान से देखो। वॉज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है वही इनका रेशियो है। तो व्हाट इज देयर कैपिटल, कैपिटल इज 45, रेशियो 30, रेशियो 15, यस या नो। तीन तीन जीरो काट दो तीनों के। अब इसको ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 जा, 5 6 जा और 5 3 जा, कट रहा है। अब ये 3 से हाँ कटेगा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, तो रेशियो क्या आ गया, 3 2 1, करेक्ट। समझ में आया रेशियो कैसे बनाया कैपिटल से। चलो अगला क्या लिखा है, क्रेडिटर बेस पेबल, तो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल मिलेगी। आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कैपिटल है, 45,000, 30,000, 15,000, करेक्ट। या कैश, करेक्ट मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है जो बांटना हो, पार्टनर्स के बीच में बांटने वाला कोई आइटम है नहीं है। कौन रिटायर हो रहा है। हाँ बेटा, आवाज रुक रुक के आ रही है। इसमें कोई आइटम है जो बांटने वाला है। अच्छा लायबिलिटी साइड में नहीं, अब नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं, बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, और पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहला आइटम बताओ क्या लिखा है। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, ₹1,000 कैरी लिखा फॉरवर्डेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। 1,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये हमारा ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, यानी ये रिवैल्यूएशन में कहीं भी नहीं आया, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूजन बनाने के लिए। ओके अगला आ जाओ, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिसिएटेड बाय 10%, फ्री होल्ड एप्रिसिएट हो गया तो इधर आएगा ना, हाँ बाय। कितना बढ़ गया, 10%। प्रीमाइसेस था कितने का, 50,000 का, 10% यानी 5,000, 5,000 बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉड अप टू 5% ऑन डेटर, पहले डेटर का कितना डूब रहा था, 200, करेक्ट। आवाज डेटर नहीं आई। डेटर में प्रोविजन कितना लिखा हुआ है, कितना डेटर में प्रोविजन कितना लिखा है, 200 रुपए लिखा है। हाँ अब बोल रहा है वो 5% हो जाएगा, तो 10,000 का 5% होता है ₹500, 10,000 का 5% होता है ₹500, और पहले से कितना डूबा हुआ है, पहले से 200 डूबा है ना, प्रोविजन पहले से 200 है, डाउटफुल डेप्स हाँ ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 200 है ना, और वो बोल रहा है कि 500 डूबेगा, 200 पहले से डूबा हुआ है, तो नया डूबा कितना हुआ, 300। 500 डूबना है जिसमें से 200 पहले ही डूब चुका है, और कितना डूबेगा, 300 रुपए और डूब जाएगा, ये समझ में आया। जो प्रोविजन, गया। हाँ चलो आ जाओ,
आगे मशीनरी इज रिड्यूस 5%, मशीनरी 5% कम हो गई तो इधर आ जाएगी। हाँ ठीक है, 24,000। मशीनरी कितने की है चेक करो फटाक से। 24,000 का 5%, 24,000 का 10% होगा 2,400, 5% हो जाएगा 1,200। 24,000 का 5%, ठीक है ना। चौबीस हजार का 5% निकाल के लिख दिया। आगे बढ़े, हाँ बढ़े। आगे लिखा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सटेंडेड ऑफ 1,500 वुड बी क्रेडिटेड। अभी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन कुछ नहीं था, लेकिन बोल रहा 1,500 रुपए का नुकसान हो गया, तुम्हारा लॉस हुआ वर्कमैन कंपनसेशन WC। हाँ वॉइस आई प्रियांशी, हेलो। हाँ बोले। वॉइस आई। हाँ आई। चलो अगला क्या, वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 रुपए का लॉस हो गया तो उसको अपन ने बना दिया। हाँ क्या लिखा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी एक्सटेंडेड ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड, लिखा है। यस तो आपने 1,500 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन बना दिया। कंपनसेशन का मतलब ही होता है कि लॉस हो गया, है ना। ओके। अगला आ जाओ, गुडविल लिखा है, चलो गुडविल आ जाओ। कितना है तो अब इसमें जो है अगला आइटम है गुडविल, है ना। हाँ लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन तो क्लियर हो गया ना कि क्यों लिखा गया, क्योंकि तो कंपनसेशन देता है तो हमको लाइबिलिटी हुई नहीं एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस को अपन कहाँ लिखते हैं, डीआर में, रिवेल्युएशन। ठीक अब आ जाओ अगला आइटम है तुम्हारा, अगला नेक्स्ट आइटम। गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 18,000। गुडविल है 18,000। अब रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर रिटायर भी हो रहा है। बी की गुडविल 18,000 में, बी का शेयर कितना है, इंटू 2/3, करेक्ट। बी का शेयर कितना है, 2/3 है ना, या 2/3 कितना होगा, हाँ 2/3। 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, सॉरी 2/6 होगा ना, 3 क्यों, 3:1 है ना रेशियो, तो 2/6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3,000, 3×2=6,000 उसकी गुडविल आई। चेक करो फटाक से नया रेशियो दिया है क्या, चेक चेक जल्दी से। हाँ दिया है 3/4, 1/4। क्या लिखा हुआ है, द सेम एडजस्टेड इन टू द पार्टनर ए एंड सी विल सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3/4, 1/4, है ना। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट। ए का, ए का पुरान न्यू रेशियो क्या है, 3 और 4, सॉरी 3/4, करेक्ट। माइनस ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6, यही था ना। हाँ मैं ओल्ड रेशियो 3/6 था, इसका एलसीएम कितना आएगा, 20, 20 नहीं आएगा, 6×24, 24 आएगा। तो इसका डिवाइड करने पे क्या आएगा, 6×3=18 माइनस और 4×3=12, अल्टीमेट हमारा क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 6/24। ये पहले का आ गया, ऐसे सी का निकालेंगे क्योंकि तो जब तक ये नहीं निकालेंगे तो गुडविल बांटेंगे कैसे।
सी का शेयर क्या है नया वाला 1/4 और पुराना क्या था 1/6 1/4 यही था ना। एलसीएम आया 24 तो 6 1 6 और यहां आ जाएगी वैल्यू 4 तो ये आ गया 2/24। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बिकम 6:2 यानी इसको और छोटा करें तो क्या बनेगा 3:1 करेक्ट। तो ए गुडविल ए कितना देगा 6,000 में इंटू 3/4 चल जाएगा 6 और 2 को काटो, 2 से काटो, 2 से देखो ना इसका 6 है इसका 2 है 6:2 बना रेशियो। अब इसको 3 से कट करोगे तो 3 सर 2 से कट करोगे तो 2 3 जा और 2 1 जा। ओके मतलब रेशियो का मतलब होता है उसको कितना छोटा कर सकते हो। जैसे यहां अपन ने छोटा किया था ना 45:30-15 को सेम वैल्यू से कट करके, ऐसे ही इसको भी अपन ने छोटा किया। कितना छोटे किया जाता है जहां तक कट जाए, अब इसके बाद कटेगा ही नहीं ना, सेम वैल्यू से जहां तक कटता चला जाए। इसका आ गया 4500 और सी कितना देगा 6,000 का और 1/4 यानी 1500। अब इस गुडविल को यहां लिख दो, यहां कैसे लिखते थे अपन बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, बी नहीं सी सॉरी, बी तो रिटायर हो रहा है ना, बी के में जाएगा 4500 और 1500 और इस तरफ लिखेंगे बी कैपिटल के नाम से। किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में और सी के अकाउंट में, यस ऐसे लिखते थे ना गुडविल। स्वाइप डाउन करिए, स्वाइप डाउन अप नहीं, हाँ ठीक है हाँ। अब इसी गुडविल को अपन ने यहां मेंशन कर दिया कैपिटल अकाउंट में, ओके यहां मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं ताकि याद रहे कि ये गुडविल का है ना। अब अगला आइटम पढ़ो क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज 60,000। कैपिटल कितनी होगी नई फर्म की, कैपिटल होगी 60,000, तो इस 60,000 में ए का कितना होगा बी का कितना होगा, ए का और सी का, ए का नया शेयर क्या है न्यू न्यू रेशियो क्या है उनका 3/4 1/4 का नया रेशियो है हाँ 3/4 और सी का कितना है 1/4, सी का हो गया 15,000 और इसका हो गया 45,000। ये हमको क्या मिल गया जो हम याद है ना यहाँ पे लिखते थे बाई बाय टू बैलेंस, याद आया पिछले क्वेश्चन का। ये जो जी नंबर है वो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट है, हाँ जी नंबर, हाँ देखो क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स एट 60,000, ठीक है, बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 1/4 लिखा, 3/4 1/4 में बांट दो, तो अपन ने यहां बांटा हाँ, और बांटने के बाद हमने इसको बैलेंस के नाम से लिख दिया। अब आगे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, आफ्टर पासिंग द एंट्री ऑफ द अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन कंटिन्यूइंग द पार्टनर इन द केस में बी, यानी जो अपन ने यहां याद होगा यहां पे बाई करंट लिखा था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो ए या ये लिखा था अपन ने,
बैलेंस निकाल के करंट अकाउंट, हाँ तो मैंने बोला था ना यहाँ पे कैश भी आ सकता है। तो यहाँ बोले थे। देखो इसमें लिखा है कि कैश लिखना है, जी नंबर पॉइंट का लास्ट लाइन पढ़ो, एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, लिखा है ये हाँ लिखा है। हाँ बोल रहा है कि यहाँ पे कैश लिखो। अब पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि करंट लिखो, ओके ठीक है ना, हम यहाँ पे कैश लिखेंगे लेकिन हाँ अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। आगे क्या लिखा है, बी टू बी पेड 5,000 इन कैश, बी को कितना कैश देना है, कैश दे देना है बी को 5,000, अपने दे दिया, और बाकी ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। तो टू बीस लोन अकाउंट, जितना पैसा आएगा लोन में चला जाएगा, ठीक है। अब उसने जितना बोला था अपन ने कर दिया, अब रिवैल्यूएशन निकालो आंसर आ रहा है कि नहीं, चलो जल्दी से। रिवैल्यूएशन का टोटल इधर का आया 5,000 और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 15,000, 3,000, तो 2,000 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,000 आ रहा है और अपना 2,000 आ रहा है, मालूम है क्यों, क्योंकि यहां पे उसने प्रीपेड को कंसीडर कर लिया है, जो पहला वाला पॉइंट है। अब हाँ बोल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल का है, तो इस साल तो तुम्हारा फायदा हो गया ना, क्योंकि तो तुमको खर्चा नहीं हुआ। प्रीपेड का मतलब अगले साल का आप दे रहे हो, इस साल तो आप खर्चा नहीं हुआ ना, तो इस साल आप उसको प्रॉफिट मानो, तो प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा कितना हो गया, 3,000। अब ये 3,000 रुपये किसके किसके बीच में बटेगा, ए बी और सी के सर बीच। हाँ बोलो बेटा, बोलो आप कैसे जाने कि 5,000 और 6,000 मतलब क्या। हाँ ये बताता हूं, देखो अपन के पास आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अभी हमारा टोटल कितना आ रहा था, इधर का 5,000 आ रहा था और इधर का टोटल आ रहा था 3,000, तो डिफरेंस हो रहा था 2,000 रुपये, हाँ और आंसर में आ रहा है डिफरेंस 3,000 रुपये। तो जब मैं 1,000 इधर लिखूंगा तब ना आंसर 3,000 आएगा, उससे मुझे पकड़ में ओके आया लेकिन मतलब एग्जाम में हाँ तुमको कैसे लेकिन समझ जैसे में आया। मतलब हाँ तो बेटा तुमको तुमको यही तो क्लास में यही तो होता है कि जो कोई चीज नया चीज आई तो उसको अपन को पकड़ लेना है, कि भैया जो प्रीपेड होता है उसको हम प्रॉफिट की तरह दिखाएंगे, क्योंकि तो प्रीपेड पैसा जो ओके तुमने अगले साल का पैसा इस साल दे दिया उसको प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या है, अगले साल का खर्चा तुम, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो कि तुमने फर्स्ट ईयर में जब आओगी तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस तुमने मुझको अभी से दे दी, ठीक है, फर्स्ट ओके ईयर की ट्यूशन फीस तुमने मुझे अभी से दे दी, तो वो मेरे हाँ लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। मेरे लिए प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं उसको प्रॉफिट की तरह हाँ दिखाऊंगा यहाँ पे, कि अगले ओके साल का पैसा मुझे अभी से मिल गया, बात समझ में हाँ आई। तो एज अ हाँ बिजनेसमैन अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुमने पैसा एडवांस में दे दिया, अगर मैं वो काम अगले साल में तुमको नहीं पढ़ाऊंगा तो तुमको वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा है वो तुम्हारा प्रॉफिट है कि नहीं है, है वो हुआ प्रॉफिट। ना, तो प्रॉफिट है इसलिए हाँ उसको यहां पे शो करें, ठीक ओके है। चलो तो ये लॉस आया, अब इसको बांट दो, प्रॉफिट आया 3,000 रुपए, 3,000 के प्रॉफिट को बांटेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 5 से 1,500, इसका 1,000 और इसका 5, ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में 1,500, 1,000 और 500। सबसे पहले किसको निपटाते हैं अपन लोग, जो जा रहा होता है ना, हाँ तो इधर का हुआ 37,000 टोटल आया,
इधर भी 37,000 का टोटल होना चाहिए। तो 37 में तुमने 5,000 तो कैश दे दिया और बचा हुआ पैसा कितना है 32,000 जो कि लोन में चला गया, करेक्ट। अब इस वाले इसको ए को निपटाओ, ए का कितना होगा 46,500, 46,500। अब बताओ ज्यादा कौन सा है, 46,500 ज्यादा है ये इस तरफ का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का, क्रेडिट का है 46,500 और डेबिट साइड का टोटल है 49,500, ज्यादा ये हुआ ना। इसके पहले का आप स्टेप फिर से बताइए। फिर से बोलता हूँ, मिटा देता हूँ मैं इसको। अपने बी वाला निपट गया मामला, नहीं फिर से बताइए बी वाला। बी वाले में हम पहले बी का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का आया 37,000, वही 37,000 हमने डेबिट में भी लिख दिया। अब 37 में से 5,000 माइनस हुआ तो कितना बचा, 32, यस या नो? अब ए में आ जाओ, ए का डेबिट का टोटल कितना है, ए का डेबिट का टोटल है 49,500 और क्रेडिट का टोटल कितना है 46,500, तो ज्यादा कौन सा है? ए, डेबिट साइड वाला ए। हाँ, तो यहाँ इस तरफ क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और जितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है माइनस करो, 3,000 रुपए कम पड़ रहा है, 3,000 यहां लिख करके इसको भी 49 कर देंगे, करेक्ट। मतलब पहले टोटल सबका कर देंगे फिर देखेंगे कि मतलब किस तरफ का ज्यादा किस तरफ कम हो रहा। हाँ, तो जिस तरफ कम पड़ रहा है तो जितना कम है उतना लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे इधर डेबिट का टोटल है 16,500 और इधर का है 15,500, ज्यादा कौन सा है, 16,500 ना? तो 16,500 में से 15,500 माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा। हाँ, अब 1,000 यहाँ लिख के इसको 15 को 16 कर देंगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाए, ठीक है। ये हो गया खत्म, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, फुर्सत हो गया और क्या। ओके। बेटा देखो, अगर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेगी ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अगर ये सोचोगे कि मेरे से पूरा बनेगा तभी मैं करूंगी तो कभी ना बनेगा, पहले करो, जितना बन जाए उतना कर दो और जब अटक जाओ तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरे को जितनी देर टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, नहीं तो कोचिंग के टाइम पे देख के बता दूंगा, कम से कम पकड़ में तो आए कि तुम कहां अटक रही हो। हाँ ठीक है।